एंड एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है श्रेया कि क्या आरडीसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरिटेम होने के लिए थोड़ा फंबल हो जाता है एंड देन इवन द रेकमेंडेड कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट समटाइम्स राइट इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोटेंशियल तो स्क्रीनिंग प्रोसेस इज वेरी अनसर्टेन तो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स टेक वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म वेल and they will get screened but NCC special entry ko yahi problem hoti hai ki so I remember commander Natarajan calling me Kolhapur ki kelchi because in my group discussion I used to cut like I had so many points I didn't let the rest speak I used to cut them so he used to call me Kolhapur ki kelchi so so he made me realize even the other assessors made me realize ki what you are lacking या फिर कहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए कौन सी चीजें आपको थोड़ी टोन डाउन करनी चाहिए इस पिक्चर को अगर आपने देखा सो फर्स्ट थिंग व्हेन एनी पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पिक्चर तो आप जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करते हो तो उसी टाइम पे यू हैव टू बी केयरफुल कि उनका एज क्या है उनका जेंडर क्या है सो जस्ट नेक्स्ट इज योर पर्सनल जो PIQ में है तो अगर आपने हॉबीज लिखे तो हॉबीज के बारे में आपको इनसाइट्स होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने हॉबी लिखी है रीडिंग सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड या फिर डू यू रीड ओनली बुक्स या और कुछ भी रीड करते हो बिल्कुल या फिर इफ यू सी म्यूजिक तो म्यूजिक के बारे में अगर इफ दैट असेसर हैज अ गुड नॉलेज अबाउट म्यूजिक ही विल ग्रिल यू मोर ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट राइट अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच हो रहा है देन यू आर एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑब्वियसली ही विल बी नोइंग मोर देन यू Right. तो वहां पे वो आपको ग्रिल करेंगे okay. तो आपने फायरिंग की थी तो कौन सी गन यूज की थी उसका कैलिबर क्या था सो इन गार्ड ऑफ ऑनर देयर इज अ डिफरेंट गन यूज तो वो कौन सी गन है okay. तो उसका वेट क्या है कैलिबर क्या है सच सच थिंग्स सो आपने जो किया है उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिफेंस रोजर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड माय नेम इज शीतल यादव एंड इन टुडेस वीडियो वी हैव श्रेया देसाई विद अस हु इज नॉट ओनली वन बट फोर टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड इफ आई टॉक अबाउट NCC स्पेशल एंट्री शी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन द मेरिट लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूडिंग द मेरिट एज इट हैज ओनली 4 वैकेंसीज एंड फ्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन दिस वीडियो सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू द वीडियो Shreya, welcome to the platform and I'm really very happy that you have joined me. Probably I got a lot of messages for your interview. People are, I mean, you are quite famous before this interview. So, मुझे ये है कि really want to discuss a lot of things. Probably NCC special entry के regarding है. मैंने last जब merit आया था तो मैंने रिद्धि का interview किया था. She was all India rank 2. And I've realized कि सिर्फ 4 vacancy होने के वजह से there are a lot of candidates who struggle to get the recommendation and somebody is already four times recommended. What could be better than that? So I just welcome you to the platform. Thank you so much. And मुझे मतलब today I'm really feeling I can say honored कि I get to tell my struggles or you can't say struggles but my story to all of these aspiring candidates and I really hope they make it into the forces very soon. So thank you so much for the invite. Shreya, आप कोलापुर से हैं, कोलापुर महाराष्ट्र. And I've heard this place name a lot of times, but I really don't know much about it. So, किस चीज़ के लिए famous है and what is the culture and tradition of that place? And आपकी grooming कैसे रही है? And कोलापुर से जो आपकी 4 times recommended की journey है, I really want to know about that. So you might have heard Kolhapuri chappals. They are very famous. Or celebrities vagera bhi, you know, they are trying to promote these. Like they look very excellent, like excellent on traditional wear. तो ये लेदर की चप्पल्स होती है बेसिकली एंड बहुत ज्यादा फेमस है सो इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोल्हापुर सो इट इज मेड ऑफ प्योर एनिमल स्किन लेदर तो उसके बाद कोल्हापुर इज फेमस फॉर लॉट मेनी थिंग्स स्पेशली कोल्हापुरी क्यूजिन तो यहाँ पे हमारे तांबड़ा पांडरा फेमस है दैट इज योर रेड करी एंड व्हाइट करी मटन की करी होती है सो इट इज वेरी फेमस देन वी आर ऑल्सो फेमस फॉर जैगरी यहाँ पे शुगर केन का बहुत ज्यादा क्रॉप है तो यहाँ से जैगरी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है एंड कोल्हापुर एज अ टूरिस्ट इट इज अ टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे पन्हाड़ा करके एक देर इज दिस मतलब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का इट इज अ फोर्ट तो इट ऑल्सो होल्ड दिस हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस कोल्हापुर में देर इज दिस रंकाला लेक कोल्हापुर की तरफ इंक्लिनेशन वो कब शुरू हुआ
Actually, so I'll tell you this incident when I was in RDC, like the initial phases. So I was contesting as a best cadet. So tab when I met a lot many people, they were very surprised because Kolhapur jab sunte hai, it feels like a village area. एक छोटा सा टाउन है टाइप बट आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस मिसकंसेप्शन दैट देयर आर मेनी टैलेंटेड पीपल जो कोल्हापुर से है विच बिलोंग टू कोल्हापुर एंड दे वर लाइक आप कोल्हापुर से आप लगते नहीं हो कि आप कोल्हापुर से तो यू नो वो जो है तो आई थिंक दैट देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग फॉरवर्ड कि वो जो कोल्हापुर के एक रूरल एरिया की जो रेप्यूटेशन है दे आर ट्राइंग टू चेंज इट आई होप इट चेंजेस वेरी सून. So, I come from Kolhapur and I have studied in Chhatrapati Shahu Vidyalaya. Yahan ke jo Maharaj hai. So, he is the descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So, he runs a school. So, I was a part of that school. And right from my childhood, I have been groomed to participate in activities like debate or elocution. So, मेरा जो communication skills है या फिर that confidence that you get right from the beginning, वो I didn't have to develop it later. Right. वो पहले से ही it kept on increasing. So I was into athletics also and I was average in academics. So मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं topper थी या फिर I used to excel in academics. I was an average student. But at the same time, I was a part of many extracurricular activities. So also I was the school captain of my batch. So mujhe I feel ki bahut exposure mila hai right from the start. So abhi kaise hota hai ki when you talk to some aspirants they are like meri english achhi nahi hai ya fir I need to work on my confidence so mujhe uske liye baad mein kuch zyada effort nahi dalna pada. So I was very blessed to have a really good upbringing. And I was blessed to have good mentors right from my childhood. All right. Since we are going to talk about more about NCC special entry, and NCC special entry is one of the way is the one of the direct way to join the Indian Army. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा competition है. हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, candidates आते हैं जिन्होंने NCC किया. And probably one thing I know that there are only 4 vacancy. But if I particularly focus on this particular entry, तो किस तरह के challenges आते हैं? And एक question बहुत highlighted है श्रेया कि क्या RDC काफी important role play करता है merit in होने के लिए? So kindly clarify that. So first, let me talk about the RDC part, and the answer is no. Okay. कि RDC एक role नहीं play करता. Definitely, it adds up to your, it gives a weight to your PIQ कि हाँ आपने एक national camp किया है. उसके on top of that RDC so it gives you some edge in the interview because the interviewer gets to ask you a lot many questions on that particular camp ki aap kaise gaye fir aapke events kaun se the right. how was your experience so if you're able to answer that properly I feel it adds up to your points for that particular interview but aise kuch extra points nahi hote ki aapko RDC gaya hai to aapko itne points milenge but definitely if you do RDC wo aapka personality thoda change kar deta hai because you are in the presence of lot many officers aapko matlab you get exposed to a lot of opportunities which you otherwise wouldn't if you don't do the camp so I feel ki experience wise yes it helps you a lot in knowledge wise it helps you a lot but aise direct points nahi milte ki RDC kiya hai to 5 points extra 10 points extra it's nothing like that okay to NCC ka competition या सो बेसिकली एनसीसी स्पेशल एंट्री में क्या होता है ना भीड़ बहुत ज्यादा होती है सो रिपोर्टिंग जो आती है वो 150 170 200 तक भी जा सकती है सो मेजर चैलेंज ये होता है कि स्क्रीन इन होना आई हैव सेड दिस अ लॉट मेनी टाइम्स कि द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज वेरी अनसर्टेन एक बार अगर मतलब वंस यू गेट इन यू वुड बी एबल टू परफॉर्म वेल बट जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है देयर आर लॉट मेनी चांसेस कि लोग वहां पे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं बिल्कुल या फिर थोड़ा फंबल हो जाता है एंड देन इवन द रेकमेंडेड कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट समटाइम्स राइट इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोटेंशियल तो स्क्रीनिंग प्रोसेस इज वेरी अनसर्टेन तो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स टेक वन टास्क एट अ टाइम परफॉर्म वेल and they will get screened in but ncc special entry ko yahi problem hoti hai ki screening kam matlab kam nahi karte but there is a lot matlab crowd bahut zyada hota hai bilkul usse sab 1/4 screening kar lete hai ye log
And then after that, even if you get recommended, if you're medically fit, पर मेरिट में प्रॉब्लम आ जाती है. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर मेरिट इस साल की या इस कोर्स की, देयर आर 88 पीपल, 88 गर्ल्स हु आर एज डिजर्विंग एज द टॉप फोर टू गेट इनटू द फोर्सेस, बट मार्क्स की वजह से या फिर यू कैन से कि थोड़े फैक्टर्स है कि कम ज्यादा 19-20 परफॉर्मेंस की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट इन. तो ये होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एंड आफ्टर इवन गेटिंग रिकमेंडेड. So, 170 से only few like 24-25 will get screened in, और उसमें से 3 to 4 or 5 ज़्यादा से ज़्यादा will get recommended. So, you've already crossed all those hurdles and you have got recommended. So, you can say you are the best among them. But now you have to be best of the best to get into the merit. Right. So, ये challenge है. Okay. Shreya, I would like to focus on now your NCC journey, because NCC इंसान की personality में काफी drastic changes लेके आता है. So, आपका एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह के आपने कैंप्स करे, एंड व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी ऑफ आरडीसी? एक्चुअली आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एनसीसी नहीं होता, बट मेरा था कि मुझे एनसीसी तो करनी है. सो आई चोज अनदर कॉलेज जिसका ओपन सीट एक खाली था, सो एक्सटर्नल एनसीसी किया था. सो उस कॉलेज में से भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला. Their ANO treated me like their own. But sometimes what happened is मुझे parade में आने में late हो जाता था, या फिर I couldn't attend the parade पूरा time because मेरा college अलग था, तो मेरे lectures वगैरह होते थे. So she understood and she supported me a lot. Okay. So after that, second year तक I wasn't able to do any camps because तब COVID आ गया था. So after that, in my third year, I tried for RDC. I was contested as the best cadet. And as a best cadet, when you are, like, first, kaise hota hai ki you get selected at the unit level. Then, aapke battalion se selection hoti hai. Uske baad you, like, Kolhapur group hai. Toh Kolhapur group se selection hoti hai. Then you go to Maharashtra Directorate. And then you represent Maharashtra Directorate at Delhi. So ye... सारे जो लेवल्स है ये करते करते जब आप दिल्ली तक पहुंचते हो, देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हु आर लेफ्ट. लाइक आई रिमेम्बर दैट 52 पीपल, लाइक 52 कैडेट्स हु आर रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र दैट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड. तो ड्यू टू कोविड वैकेंसीज भी कम थी एंड द कंपटीशन वाज वेरी हाई. सो आई वाज कंटेस्टिंग एज द बेस्ट कैडेट फ्रॉम महाराष्ट्र ग्रुप. एंड दैट टाइम एज अ बेस्ट कैडेट यू हैव टू बी इन एवरीथिंग. यू हैव टू बी इन कल्चरल्स, यू हैव टू बी इन फ्लैग एरिया, you have to breathe properly. आपका उसके बाद आपका service subjects and common subjects का पढ़ाई अच्छा होना चाहिए. So everything as a best cadet you have to be a part of everything. If उसके उतने marks आपको मिलते हैं. So that was quite hectic because we were 4 of us. So we had to run everywhere. हमें drill भी करनी थी, हमें guard of honor भी देना था, हमें फिर से cultural के practice को भी जाना था. So everything. Okay. So it was hectic, but at the end of the day, जब रात को सोते थे, नींद भी कम ही मिलती थी, तो तब लगता था yes, somewhere it is going to be worth it. So you just have to keep striving hard. So after that, selection होते होते चला गया, and then we went to Delhi. And जब there was this video that had got viral कि हम because Maharashtra Directorate is the only directorate to come to Delhi via flight. बाकी सब train से आते. So at the airport, there's this video where all the cadets are doing push-ups. So that had gone viral and it had got a tag ki Marathi aale re. So the Marathas have come, it translates. So to tabhi se ek aura leke hum aaye the because for the past 6 years, Maharashtra hadn't won the banner. Okay. So this time we were very determined ki this time we'll come and we'll take it home. So from the first, our vision was like, jo koi competition karenge, wo itna... मन लगा के करेंगे, 100% देंगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो पॉइंट्स हमारे बैनर की तरफ ऐड हो जाएंगे एंड वी विल टेक होम द बैनर दिस टाइम. एंड दैट ग्रेजुअली हैपेंड ड्यूरिंग पीएम्स रैली. हम लोगों ने आफ्टर 6 years हमने बैनर जीता एंड आई वुड से दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ आरडीसी. ऑलराइट आशय, उसके अलावा भी आपने काफी कैंप्स करे हैं, तो इफ यू कुड नेम इट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कैंप इफ पॉसिबल. I have also a national camp. I have done a special in IC, which was conducted in Colaba, Mumbai. So there, basically what happens is all the cadets from various directorates come and we exchange our cultures. Dance forms, singing ho gaya. So it's like you get to know each other very well. So it's special national integration camp.
तो ये मैंने किया था। ऑलराइट, कमिंग नाउ टू द एसएसबी पार्ट, बिकॉज यू नो एसएसबी का चाहे आप, मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स देखे, इवन दो दे हैव डन एनसीसी, दे हैव बीइंग इनटू वेरियस कैंप्स, बट व्हेन दे गो फॉर एसएसबी दे फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग रिकमेंडेशन. एंड सिंस इट वाज राइट। योर, इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल अटेम्प्ट, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी एंड हाउ यू हैव शेप्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएसबी? ओके, सो दिस माइट साउंड अनकन्वेंशनल, बट आई वुड से कि गेट अ गुड मेंटोर जो आपको बता पाए कि वेर यू गोइंग एग्जैक्टली, आप गलत क्या कर रहे हो, यू शुड नो दैट। बिकॉज ऐसे होता है कि लोगों के पांच पांच अटेम्प्ट्स हुए हैं, छह छह हुए हैं, दस दस हुए, बट वो रिकमेंड नहीं हो पा रहे, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ लिसनिंग टू द वीडियोज, लाइक सच मोटिवेशनल वीडियोज, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा। सो देर आर सर्टेन थिंग्स की जहां पे वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल. और वो नोटिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रियलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक अच्छा, अगर आपके पास मेंटर हो जो आपको बता रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आप गलत कर रहे हो, तो आई फील दैट इज वेरी बेनिफिशियल। सो इन दैट केस आई हैड बीन टू अफ्पा, एंड अफ्पा हेल्प मी अ लॉट टू सेल्फ एनालाइज कि मैं कहाँ गलत हुई हूँ। सो आई रिमेम्बर कमांडर नटराजन कॉलिंग मी कोल्हापुर की कैंची, बिकॉज इन माई ग्रुप डिस्कशन आई यूज टू कट, लाइक आई हैड सो मेनी पॉइंट्स, आई डिडंट लेट द रेस्ट स्पीक, आई यूज टू कट देम। सो ही यूज टू कॉल मी कोल्हापुर की कैंची। सो ही मेड मी रियलाइज, इवन द अदर असेसर्स मेड मी रियलाइज कि व्हाट यू आर लैकिंग, या फिर कहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें आपको थोड़ी टोन डाउन करनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज आपको थोड़ी सी एलिवेट करनी चाहिए। सो आई फील अ गुड मेंटोर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन्स लाइफ। तो ड्यूरिंग माय इनिशियल अटेम्प्ट्स, सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट मेक इट बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस, सो आई वोंट इलैबोरेट मच ऑन दैट, बट आई हैड मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी माय जीटीओ। सो आई काइंड ऑफ हैड आर्ग्यूमेंट ऑन द ग्राउंड विथ वन ऑफ माई टीममेट्स, सो दैट इज कंसिडर्ड वेरी बैड। सो दैट टाइम आई न्यू कि यस, मेरी यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई एंड आई वोंट बी एबल टू मेक इट इन टू दिस अटेम्प्ट, बट दैट इज द पॉइंट कि आप अपने परफॉर्मेंस से क्या लेते हो, वॉट डू यू रियलाइज कि हाँ, या मतलब दैट रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मेरी यहाँ यहाँ गलती हुई है, एंड इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। सो आई हैड दैट इन माई माइंड। तो और वो जो स्क्रीन इन होने के बाद, लाइक ऑन दी कॉन्फ्रेंस डे व्हेन यू नो दैट यू नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, वो जो दिमाग में रहता है ना, एंड द गिल्ट दैट फेस आफ्टर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, जो कॉन्फ्रेंस आउट वाला दर्द होता है, आई डोंट थिंक कि मतलब नहीं दे पाते लोग, एंड आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे लिए वो बहुत गंदा था। तो मैंने वहां तब डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट अगेन, नेवर। तो मैंने राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए, एंड देन फॉर्चुनेटली आई गॉट रिकमेंडेड आफ्टर दैट। रियली वॉन्ट गिव अ शाउट आउट टू आफ्पा, बिकॉज दे रियली मेक माई वर्क इजी टू फाइंड कैंडिडेट्स. आपका कॉन्टैक्ट, क्योंकि वेन दे पुट पोस्ट पिक्चर्स ऑफ कैंडिडेट हु आर मेकिंग अप टू द मेरिट लिस्ट, सो आई एम ऑलवेज लुक, यू नो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर द गुड कैंडिडेट्स, जिससे लोग इंस्पायर होके कुछ सीख सके. आप समझ रहे हैं? तो आप ऑल इंडिया रैंक 3 हैं, आई होप सुकाक्षी कम्स वेरी सून, शी इज ऑल इंडिया रैंक 1. तो चार वैकेंसीज में से तो दो तो राइट मुझे, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड द कैंडिडेट्स. कमिंग बैक टू योर जर्नी श्रेया, सिंस इट वॉज योर 5 अटेम्प्ट जर्नी, तो कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट में यू गॉट कॉन्फिडेंस आउट, बट देन यू आर गेटिंग बैक टू बैक रिकमेंडेशन. यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 9 इन एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड यू आर अवेटिंग मेरिट फॉर नेवी टेक, एंड हियर यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 3. सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव जर्नी इफ आई टॉक अबाउट, राइट? सो एक क्वेश्चन जर्नली रिपीटर से पूछा जाता है कि हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट, एंड इवन बींग यू रिकमेंडेड यू हैव टू जस्टिफाई दैट. तो मुझे ये जानना है कि आप किस तरह से अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं एंड आप किस किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं एंड हाउ हैव यू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? So, I actually don't have any solid answer for this because I've been asked this question multiple times in my interview actually. तो आई फील कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रखी है, कि मैंने कभी अपना परफॉर्मेंस ज्यादा नीचे जाने नहीं दिया, या फिर ज्यादा ये नहीं किया। सो आई फील दैट कंसिस्टेंसी गिविंग इन इक्वल एफर्ट्स इन ऑल द टास्क मैटर्स। मतलब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरा साइक अच्छा चला गया है, नाउ इवन इफ आई गिव थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस इन माई जीटीओ, आई थिंक इट विल बी मतलब एडजस्ट हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना है।
दैट्स व्हाट आई से, वन टास्क एट अ टाइम. हर एक टास्क में आपका 100% अगर आप दोगे तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा आई फील इट विल बी इन योर फेवर ऑलवेज. तो एज आई सेड माय फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जीटीओ में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि आई वोंट बी रिपीटिंग दैट अगेन. जिस मेरा अग्रेशन थोड़ा सा बीच में आ जाता था बिकॉज आई वोंट लेट अदर पीपल स्पीक समटाइम्स. Okay. या फिर वो इफ दे आर स्पीकिंग समथिंग नॉट सेंसिबल आई वुड बी गेट वेरी अग्रेसिव कि आप ये क्या बोल रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक दिस. ओके. सो एसएसबी टॉट मी पेशेंस कि काम डाउन अ बिट, लेट देम स्पीक, लेट देम गिव यू अ चांस एंड देन यू हैव योर टाइम टू स्पीक. सो इट टॉट मी कि आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है. एंड आई फील सिर्फ अकेडमी आपको ऑफिसर नहीं बनाता, दिस एसएसबी प्रोसीजर ऑल्सो गिव्स यू एन इनिशियल स्टार्ट into being that mold of an officer. So I feel ki SSB ne mujhe ab tak bahut groom matlab kiya hai. Maine to I think ki academy usse zyada karega, but I feel ki I'm already there ki mujhe abhi pata hai ki kaise karna hai kaise nahi karna hai. Bilkul. So wo mindset ban jata hai aapka ki you have to be respectful of others opinions and if you have to give others chance. To wo thoda mera pehle nahi hota tha, but gradually I adjusted. So apart from that, आपका जो साइक है, so साइक has to be like if you talk about TAT and TAT basically. तो TAT में आपके जो actions हैं, so वो improve कैसे हो सकते हैं? उसमें आप और थोड़ा मिर्च मसाला कैसे add कर सकते हो? Okay. या फिर technical terms कैसे डाल सकते हो? Some schemes या something, schemes कैसे add कर सकते हो? Current affairs से वो कैसे relate कर सकते हो? Such kind of things if you start working on, I feel you will give a really good TAT. VAT का सेम है कि सो आई हैव टोल्ड दिस टू मेनी पीपल कि दे आस्क मी कि आप साइक का कैसे प्रिपेयर करते हो. तो आई से कि मैं साइक का प्रिपेयर ही नहीं करती बिकॉज आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर माय साइक. ऑलराइट. बिकॉज कैसे होता है ना कि इनिशियली आई यूज टू मतलब आई हैव सीन पीपल कि एक वर्ड के तीन चार सेंटेंस बना दो. तो फिर जब वहां पे आपको वर्ड आएगा तो वो एक ना एक कर जाएगा तो वही लिख दो. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वोंट वर्क इन एवरी केस. ऑलराइट. तो इट्स बेटर कि आप आपकी वो कैबुलरी अच्छी रखो तो समवेयर आपको वो क्लिक कर जाएगी कि आपको क्या लिखना है. ऑल्सो बाय राइटिंग वर्ड्स आई मेक इट अ पॉइंट कि ज्यादा फैक्चुअल और ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस हो तो वो अच्छा अच्छे आते हैं सेंटेंसेस दैट टाइम. ओके. सो सो usually I tell my assessor कि मैंने अपने साइड पे अच्छा काम किया है. This time मैं ज़्यादा पढ़ के आई हूँ for the interview about the domain knowledge and also about current affairs. और I also tell them कि in the GTO I was able to give better ideas than my previous attempt. So they don't expect you to give all perfect answers. Right. तो आप थोड़े से vague answers भी दे दोगे ना, so he won't mind it. बिल्कुल. He just wants to see कि आपने आप वैसे ही हो. Have you continued on the same way or आप थोड़े थोड़े changes कर रहे हो? बिल्कुल. That's Shreya, one thing I was just thinking when you're responding to this, ki, I have taken 50 to 60 interviews so far. And, you know, हर इंसान की अपनी एक strategy होती है. तो sometimes I patiently listen ki, ताकि एक इंसान का complete perspective मिल सके. So there are candidates who right. say, practice psych, you know, it'll speed up your, आपकी writing speed बढ़ जाएगी. तो really, मतलब हर इंसान का अलग अलग perspective हो जाता है. And right. it really worked for you. So, talking yeah. about screening. If something... Yes, if something works for me, it doesn't necessarily mean that it will work for someone else. Exactly. So, my request is that don't listen to me and aap jo kar, if something is working for you, continue with it. Bilkul. So, my work is what I'm saying. Right. Shreya, coming to the screening and, you know, we were discussing it before to experiment something new this time ki, with a picture, how to perceive a picture because PPDT is very important. Uske basis pe narration and group discussion kaafi impact hota hai ki aapki story kaisi hai. So, thank you so much for, you know, discussing regarding this idea. So, we are going to give a demonstration with a picture, how to perceive it and how to make a relevant story around it. So, here is the picture. So, इस पिक्चर को अगर आपने देखा, सो फर्स्ट थिंग व्हेन एनी पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. सो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पिक्चर. तो आप जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करते हो तो उसी टाइम पे यू हैव टू बी केयरफुल कि उनका एज क्या है,
उनका जेंडर क्या है. सो जस्ट एक ग्लांस में आप वो ऑब्जर्व कर लो. राइट सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड है क्या? सो अभी इफ यू लुक इन टू दिस इमेज, इट इज अ फार्म या फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड है. सो यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि आप ऑब्जर्व करो कि वट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. एंड अ थर्ड थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज वट काइंड ऑफ एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द पिक्चर. सो इफ यू लुक हियर, आई थिंक दैट इज देर आर थ्री पीपल एंड ऑल्सो देर इज अ बुलक कार्ट. देर माइट बी अ बुल ऑल्सो. इट्स अ हेजी पिक्चर, सो यू नॉट एबल टू मेक यू वोंट बी एबल टू मेक इट आउट दैट प्रोमिनेंटली. एंड देर इज प्लोइंग गोइंग ऑन. And there are three characters if you look very closely. So, इससे आपको एक आइडिया मिल रही है कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर एक फार्म है, वहां पे प्लोइंग हो रही है. एंड देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स. सो इफ यू जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिखा, दैट इज द वुमन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू मेक हर द मेन कैरेक्टर. देन मेक श्योर कि आप अगर इफ यू लुक क्लोजली, उसके हाथ में कुछ फोल्डर या फिर कोई देर इज अ बुक इन हर हैंड, राइट? सो आप उससे बता सकते हो कि शी इज अ टीचर या फिर शी इज इन टू स्टडीज या फिर एक एजुकेशन रिलेटेड कोई मतलब है उसका रोल, ठीक है? एंड द रेस्ट दे माइट बी फार्मर्स. तो इस सिनेरियो में व्हाट यू कैन डू इज आपका जो स्टोरी बनेगा, इट शुडंट बी कि आपने एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड ही नहीं किया या फिर आप कुछ इरिलेवेंट स्टोरी बना रहे हो. सो मेक श्योर कि एग्रीकल्चर उसमें इंक्लूड होगा. नाउ हाउ कैन यू इंक्लूड एग्रीकल्चर? तो फर्स्टली आप ऐसे इसमें लिख सकते हो कि आप सो शी इज हियर टू मेक द फार्मर्स अवेयर अबाउट सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्टेन सेंट्रल स्कीम्स जो उन स्कीम्स माइट बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स. That you can write. Second, you can write something कि कुछ research based है. वो soil का कोई sample लेने आ रही है to उस soil का जो porosity level है या फिर you can say कितना water retain करती है वो soil या फिर जो new hybrid seeds है वो उसमें अगर हमने सो किए तो would it be able to give a good yield? Such kind of research purpose stories you can write. And third, you can correlate it with current affairs. Like, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, सो सो व्हाट डू यू थिंक इज द यू कैन से द बेसिक फंडामेंटल रीजन बिहाइंड दीज प्रोटेस्ट्स कि लोगों को वो स्कीम्स अच्छे से समझ ही नहीं आई है, द थ्री फार्म बिल्स. तो यू कैन को रिलेट इट विद दैट कि वो शी इज हियर टू प्रोवाइड अवेयरनेस और स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दोज थ्री बिल्स सो दैट पीपल वुड बी एबल टू नो द एडवांटेजेस ऑफ दोज पर्टिकुलर स्कीम्स. सो यू कैन को रिलेट इट विद करंट अफेयर्स ऑल्सो. दिस इज हाउ दीज आर टू टू थ्री मेथड्स हाउ यू कैन फॉर्म द स्टोरी. एंड आफ्टर यू राइट द स्टोरी, द नरेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मेरे स्टोरी में ऐसे हो गया था कि नरेशन हो गया है एंड द ग्रुप हैज स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड इट गॉट वेरी केओस, मतलब केओटिक हो गया वो पूरा. सो द असेसर सेड ओके स्टॉप, यू कैन लीव. They didn't let us discuss. They didn't let us form the common conclusion. तो ऐसा बहुत बार होता है कि that there is a possibility कि this might happen. So make sure कि आपका narration अच्छा है, because at that point of time आपका story जो आपने लिखा है उस पे और आपके narration पे आपको judge किया जाएगा. So make sure कि आप जो narration देते हो it is very confident and वो बहुत मतलब फॉर्मल साउंड करेगा, करना चाहिए तब. श्रेया, कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, बिकॉज स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं. एंड यू नो थ्रू दिस एग्जांपल आई बिलीव कि काफी सारा एक्सपोजर मिलेगा कि किसके अराउंड स्टोरीज बननी चाहिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग एट देयर ओन एंड लुकिंग फॉर सम डायरेक्शन. सो पर्टिकुलरली नाउ फोकसिंग ऑन पीआई की फॉर्म, मैंने जर्नली पीआई की रिगार्डिंग एक वर्ड एसोसिएट सुना है दैट इट इज अ कुंडली, बिकॉज इंटरव्यूइंग गेट इट बिफोर यू एंटर द रूम, राइट? सो पूरे प्रोसेस के अंदर, बिकॉज आपने टाइम के साथ अपने आप पे काफी काम किया और आपके ऑब्जर्वेशन मेरे को जो लगता है श्रेया दैट इज रियली गुड, तो टाइम के साथ आपने ऐसे कुछ मिस्टेक्स देखी जो बाकी कैंडिडेट्स कर रहे हैं या आप इनिशियल अटेम्प्ट में कर रहे थे इन पीआईक्यू फॉर्म, बिकॉज देर आर ओवर राइटिंग एंड अ लॉट ऑफ वेरियस थिंग एंड अलॉन्ग विद दैट आई रियली वांट टू नो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड हाउ ही हैज ड्रिल यू थ्रू आउट द इंटरव्यू. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पीआईक्यू फॉर्म, सो मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं हु हैड नो होप्स ऑफ गेटिंग स्क्रीन्ड इन. And once they get screened in, they are very happy. And फिर because after screening आपके documentations मतलब documentation fill वगैरह होते हैं, तो उस time क्या होता है ना, they are very flustered.
उनको पता नहीं होता कि अभी क्या करना है, बिकॉज पहले तो बहुत खुशी हो रही होती है एंड देन वो पूरा भूल जाता है. सो इन दैट एक्साइटमेंट वो PIQ अच्छे से भरना भूल जाते हैं. बिल्कुल और यू कैन सी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है. सो PIQ इज बेसिकली योर पैम्फलेट टू सेल द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज यू हियर. तो अगर आप अच्छे से आपके फीचर्स नहीं लिखोगे, आपके जो गुड पॉइंट्स है वो नहीं लिखोगे, तो आप खुद को बेचोगे कैसे? बिल्कुल सो आई फील कि PIQ जो है वो आप घर से भर के जाओ. सो दिस इज व्हाट आई डू. मेरे पास एक PIQ है जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है एंड देन आई हैव फिल्ड वेरी प्रॉपरली अच्छे से. बिफोर एवरी अटेम्प्ट मैं एक नया PIQ फिल करती हूँ जस्ट इन केस कुछ और ऐड करना हो या फिर कुछ ऑन द वे नए नए अचीवमेंट्स बन रहे तो आई हैव टू फिल देम आल्सो. तो आई फिल दिस PIQ कैरी इट विथ मी टू विथ मी फॉर द SSB. तो जब व्हेन द टाइम कम्स वेयर आई हैव टू फिल द PIQ आई डोंट कीप, मतलब मैं थिंक नहीं करती, जो लाया है वो बस मैं छाप देती हूँ ऑन द PIQ एंड आई फील दैट इज व्हाट यू शुड डू बिकॉज इट सेव्स योर टाइम. और घर बैठे यू हैव दिस मेंटल स्टेट कि जहाँ पे आप थिंक कर सकते हो कि और क्या लिख सकती हूँ, और अच्छा क्या लिख सकती हूँ, और मेरे अचीवमेंट्स क्या है. यू हैव टू कीप, मतलब आपको राइट फ्रॉम योर 10th आपको चीजें लिखनी होती है. सो देयर आर चांसेस कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर जाओ. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज आप एक PIQ फिल करके जाओ और वहां पे जाके बस उसमें भर दो. बिकॉज़ देयर आर 3 copies दैट यू हैव टू फिल. ओके एंड अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो इंटरव्यू, सो मेरा जो ड्यूरेशन है इंटरव्यू का दैट हैज वेरीड. मतलब पहले जो होता था वो 40-50 मिनट का होता था, बीच में इट ओनली वेंट डाउन टू ओनली 20 मिनट्स, फिर से वो 40 मिनट का हो गया, फिर 1 आवर का हो. सो इट फ्लक्चुएट्स, इट कीप्स चेंजिंग. तो आई बिलीव कि आपका जो PIQ होता है सो दैट इज अ गेटवे टू योर ब्रेन. राइट तो इंटरव्यूअर ask you everything based on that particular piece of paper only. hmm. because he hasn't met you before. usko aapka personality us PIQ se hi pata hai. so बिल्कुल make sure ki aap aapke bare mein, khud ke bare mein achhi cheeze likh rahe ho, aapke achievements likh rahe ho. jhoot mat likho because wo aise pakad lega. बिल्कुल it's not easy to fool the assessor, right? to aap agar kuch खुद के बारे में और ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के लिख रहे हो तो उसको वो पकड़ लेगा जैसे आपको. तो इट गिव्स अ वेरी निगेटिव इम्पैक्ट कि ये लाई कर रहा है. सो आपकी जो क्रेडिबिलिटी आपकी थी वो आप लूज कर रहे हो कहीं ना कहीं. तो झूठ नहीं लिखना है. और ऑल्सो देर आर सर्टेन क्वेश्चन जैसे CIQs, CIQs चेंज नहीं होते हैं. तो आपको वो रट्टा नहीं मार के जानना है. यू जस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड टू यू. तो वहां पे आप फ्लस्टर नहीं हो रहे हो. बिल्कुल तो मतलब थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि हाउ डिड यू रीच द सेंटर. तो मतलब मैं कोल्हापुर से आ रही हूँ तो मुझे पूछा जाएगा कि आप कोल्हापुर से भोपाल कैसे आ रहे हो, डिस्टेंस कितना था, आपने कौन से कहाँ कहाँ मतलब कौन सी बसेस ली, या फिर बीच में आपको कौन सी सिटीज लगी. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड और आपको हर टाइम ये प्रिपेयर करके जाना है. बिल्कुल सो वंस दैट हैपेंस there might also be questions जहाँ पे आपको आपके घर के बारे में पूछा जाएगा, family के बारे में पूछा जाएगा. तो वहां पे ज्यादा emotional नहीं होना है. so मतलब घर पे किसी के problems होते हैं या फिर हर किसी का हर कोई मतलब बहुत सारे problems होते हैं तो वहां पे ज्यादा personal नहीं होना है. because the interviewer will make sure कि आप मतलब he maintains a very good rapport with you. राइट वो पूरा फ्रेंडली हो जाएगा आपसे. तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ही बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वो नहीं होने देना. यू डोंट हैव टू गेट फॉर्मल. एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है नो मैटर व्हाट. तो वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद जब आप घर के बारे में मतलब ही आस्क यू अबाउट द प्लेस दैट यू कम फ्रॉम, तो मेक श्योर कि आप जहां से जा रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स क्या है वहां पे, फेमस क्या है, या फिर जोग्राफिकली वो लोकेटेड कहाँ पे है, रिवर्स कौन सी है. सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी अवेयर अबाउट. नेक्स्ट इज योर पर्सनल जो PIQ में है. तो अगर आपने हॉबीज लिखी तो हॉबीज के बारे में आपको इनसाइट्स होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने हॉबी लिखी है रीडिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, या फिर डू यू रीड ओनली बुक्स या और कुछ भी रीड करते हो. बिल्कुल या फिर इफ यू सी म्यूजिक, तो म्यूजिक के बारे में अगर इफ दैट असेसर हैज अ गुड नॉलेज अबाउट म्यूजिक ही विल ग्रिल यू मोर ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. राइट अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच हो रहा है
then you are at a disadvantage because obviously he'll be knowing more than you. Right. तो वहां पे वो आपको ग्रिल करेंगे. नेक्स्ट है कि डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप सो डोमेन नॉलेज एज इन आपका डोमेन नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो. लाइक इफ आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरे को मेरे डोमेन नॉलेज के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे क्वालिफिकेशंस हाउ आर दे गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द आर्मी और द नेवी. तो मेरा रोल कहाँ पे आएगा, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज डोमेन नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर अबाउट टू जॉइन. राइट. तो आपको कौन सी आर्म चाहिए, फिर उसका इंसिग्निया क्या है, उसका मोटो क्या है, मोटो क्या या रेजिंग डे कब होता है. सो डोमेन नॉलेज अबाउट द इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स, तो वो राइट. इम्पोर्टेंट है. ये दो चीजें आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये पूछा ही जाता है. बिल्कुल. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. ओके. सो आई थिंक करंट अफेयर्स मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज गिवन. इफ यू आर कमिंग फॉर द एसएसबी आपका करंट अफेयर स्ट्रांग ही होना चाहिए. आपने कहाँ से प्रिपेयर किया तो श्रेया करंट अफेयर्स को? करंट अफेयर्स, सो मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब लोग बोलते हैं कि अभी डेली रीड न्यूज़पेपर्स या फिर ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो मेरा ये ना कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन ही नहीं हो पाया. सो व्हाट आई डू इज मैं जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आती है ऑन द इंटरनेट, राइट. तो व्हाट आई डू इज मैं वो प्रिपेयर करती हूँ. सो इस वीक का ये करंट अफेयर है, ठीक है ये लिख लो, ठीक ये है. वीक का ये है, ओके लिख लो. एंड ओके. आफ्टर दैट मेक श्योर कि आप उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ रहे हो. बिल्कुल. So in my interview he had asked me give me three national three international news. राइट. तो मैंने बस headlines देके छोड़ दिया because that is what I had prepared. पर उसके बाद he started grilling me more. तो एग्जैक्टली. मैंने इज़राइल हमास बोला था, तो उसके बाद बोले कि okay tell me the nations that are surrounding Israel. तो उनके capitals बता दो. फिर वहां पे major seas है क्या? So such तो क्यों हो रहा है conflict? बिल्कुल. तो उनका कैपिटल क्या है, जेरूसलम में क्यों हो रहा है, तो क्या रिलीजियस सेंटिमेंट क्या क्या है, कौन से रिलीजन इसमें इन्वॉल्व है, व्हाट आर बिल्कुल. दी रिलीजियस ग्रुप्स दैट आर इन्वॉल्व. सो बस हेडलाइन पढ़ के अगर आप छोड़ दोगे तो राइट. दीज क्वेश्चंस यू वोंट बी एबल टू आंसर. तो बस आपको हेडलाइन ही पढ़नी है, बट उसके ऊपर थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ के जाना है बिकॉज 101% ही आस्क यू अबाउट दिस. बिल्कुल. तो एज आई सेड खुद के बारे में योर PIQ, योर डोमेन नॉलेज एंड योर करंट अफेयर्स, आई थिंक दीज आर द बेडरॉक्स ऑफ योर इंटरव्यू. राइट श्रेया, जैसे अभी आपने करंट अफेयर बोला तो मुझे दो तीन चैनल यूट्यूब के दिमाग में आए. एक स्टडी वाईफाई 2.0 करके, ही गिव अ रियली गुड कंटेंट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. एंड वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस वीडियो है उसका, हिस्ट्री क्या था, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट आर द बैरियर्स इन दिस सिचुएशन, एवरीथिंग इज बिंग डिस्कस. एक नितेश राजपूत करके भी है, ही गिव अ वेरी न्यूट्रल सजेशन रिगार्डिंग इट. सो दैट वॉज द थिंग दैट वॉज कमिंग टू माई माइंड. एंड सिंस यू वेंट थ्रू NCC स्पेशल एंट्री, तो NCC के सराउंडिंग में किस किस तरह से इंसान प्रिपेयर कर सकते हैं? इफ एनी कैंडिडेट इज गोइंग, व्हाट आर द थिंग्स अ कैंडिडेट कैन प्रिपेयर व्हेन दे आर गोइंग फॉर NCC स्पेशल एंट्री? So it starts from your first day in the NCC. तो बस एनसीसी परेड करने के लिए या फिर यूनिफॉर्म में सेल्फीज खींचने के लिए या फिर रील्स बना के सोशल मीडिया पर डालने के लिए लिमिटेड मत रखो. बिल्कुल. व्हेन यू आर इन एनसीसी यू कम अक्रॉस अ लॉट मेनी ऑफिसर्स. आपका यूनिट का एडम ऑफिसर हो गया, आपका सीओ हो गया, सो कीप अ गुड रेपो विद देम. बिल्कुल. आप अच्छे से उनसे बात करो, आस्क हिम फॉर सजेशंस, आस्क हिम मतलब अच्छे अच्छे कैंप्स कौन से आ रहे हैं, प्रिपेयर फॉर दोज कैंप्स, गिव गुड इंटरव्यूज फॉर दोज कैंप्स. तो बस खुद को डोंट लिमिट योरसेल्फ टू द परेड एंड रगड़ा. आप जो OLQs डिजायर कर रहे हो यू आर फुली केपेबल ऑफ इनकल्केटिंग देम इन द स्पैन ऑफ दीज 3 years इन द एनसीसी. तो आप मतलब कैसा होता है कि एनसीसी वाले पीपल ज्यादा मतलब फोकस करते हैं ऑन दीज जो ये डायरेक्टली सिपॉय लेवल के जो एंट्रीज होते हैं वेर दे आर इंडक्टेड डायरेक्टली बाया रैलीज, इस पे फोकस करते हैं, विच यू शुडेंट डू. आपका जो माइंडसेट है वो ऑफिसर लेवल का होना चाहिए, मुझे SSB देनी है. सो दिस हैपेंस इन माय रीजन कोल्हापुर में, वी आर लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो यहाँ पे एनसीसी करने के बाद यू गेट तो इन रैलीज यू गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट इफ यू आर एन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर. तो लोग वहां पे जाते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अ JC और NCO, राइट? बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एन ऑफिसर. बिल्कुल. तो अब SSB के हिसाब से प्रिपेयर करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीज एंट्रीज. तो आपको खुद से बिल्डअप
मतलब खुद से आपको क्या बोलते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो तो आपको आई थिंक ग्रुप में डिस्कस करने के बाद या फिर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कंपनी विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू ऑल दीज डिफिकल्टीज दैट यू माइट बी फेसिंग. राइट श्रेया, और इंटरव्यू के रिगार्डिंग में मुझे पूछना है, बिकॉज अब जब आप इस एंट्री के थ्रू जाते हो तो कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपको एनसीसी के बारे में पता ही होना चाहिए, मे बी मोटो, मे बी इंसिग्निया, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मे बी द रैंक्स, जो सार्जेंट और बहुत सारी चीजें हैं. तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी पूछे गए या आपने सुने हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? राइट. सो फॉर दैट आपका जो एनसीसी हैंडबुक होता है जो आप बेसिकली सी सर्टिफिकेट के लिए प्रिपेयर करते हो, इफ यू प्रिपेयर दैट हैंडबुक वेरी थरली आई थिंक हाफ ऑफ योर जॉब विल बी डन फॉर एनसीसी एंट्री. तो मुझसे पूछा गया था कि सो इन आरडीसी फॉर बीसी यू हैव टू डू फायरिंग एज वेल. ओके. तो आपने फायरिंग की थी तो कौन सी गन यूज की थी, उसका कैलिबर क्या था? सो इन गार्ड ऑफ ऑनर देयर इज अ डिफरेंट गन यूज, तो वो कौन सी गन है, ओके तो उसका वेट क्या है, कैलिबर क्या है, सच सच थिंग्स. सो ओके आपने जो किया है उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. राइट. देन ही आस्क यू हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर, या फिर बेसिक चीजें जैसे आपने बोला कि मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, या फिर 17 पेटल्स वो किसके लिए है. सो सच बेसिक क्वेश्चंस ही आस्क यू. इफ यू से कैंप्स लाइक टीएससी थलसैनिक कैंप, देन ही आस्क यू कि मैथ रीडिंग में आपने किया तो कैसे कैसे है. ही आस्क मी दिस क्वेश्चन, ऑन अ क्लाउडी डे अगर आपके पास लाइट नहीं है तो हाउ विल यू नेविगेट थ्रू अ फॉरेस्ट इफ यू डोंट हैव अ कंपास. तो सच क्वेश्चंस व्हिच एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में सिखाए जाते हैं. सो सच बिल्कुल क्वेश्चंस आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते कर हो. सकते हैं. राइट श्रेया, जब एंड यू नो फॉर एवरी इंटरव्यू आई कांट कवर ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इट्स 5 डे जर्नी एंड बिफोर एंड आफ्टर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट मेडिकल मेरिट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो एनीथिंग राइट पर्टिकुलरली यू वांट टू से टू द एस्पिरेंट, बिकॉज जहां पे लोग रिकमेंड नहीं हो पाते हैं, आपने बैक टू बैक रिकमेंडेशन लिया है, एंड एज आई सेड यू यू हैड अ वेरी प्रोग्रेसिव जर्नी. And this journey teaches us a lot, maybe in terms of our mental stability. As you said, राइट spiritual level पे भी हमें काफी कुछ stability मिलती है. And some way or the other, whatever you're going to say, it is going to impact many lives. So, any message for the aspirants? only thing that I would like to say is हार नहीं माननी है आपको. मतलब यू हैव टू कीप हसलिंग, और जो आपकी गलतियां हो रही है उनको एनालाइज करना सीखो. डोंट गो टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट विद द माइंडसेट ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट. थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करके जाओ, एंड मम्मी पापा को के ब्लेसिंग्स जो है ना, कीप देम विद यू ऑलवेज. एंड इवन इफ यू गेट रेकमेंडेड, डोंट फॉरगेट टू हेल्प द फ्रेशर्स दैट आर इन योर बैच. इफ यू आर अ रिपीटर, डोंट फॉरगेट टू हेल्प द फ्रेशर्स इन दैट विल बी कमिंग, दैट विल बी विद यू इन योर एसएसबी बैच. बिकॉज नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है. यू कांट बी सेल्फिश ऑलवेज कि नहीं उसको पता चल जाएगा तो वो. नो, इफ यू शेयर मोर देयर आर चांसेस दैट योर होल बैच विल गेट रिकमेंडेड. तो ऑलवेज कीप डूइंग गुड डीड्स, एंड एज आई सेड कि हर एक टास्क को अच्छे से कर, दूसरे टास्क पे रिलाय नहीं करना है कि ओके ठीक है इसको मैंने इसमें मेरा थोड़ा 19-20 हो गया बट आई हैव एक्सेल्ड इन दैट सो मे बी मेरा हो जाएगा. नहीं, हर इसमें आपको 100% अगर आप देते जाओगे एट द बिल्कुल एंड रिजल्ट विल ऑलवेज बी इन योर फेवर इज ऑल दैट आई वुड लाइक टू से. Shreya, it was lovely talking to you. And you know, you're going to soon become a gazetted officer, either in the Indian Army or the Navy, whatever your preference are. But it was really lovely talking to you. And you have come up with so many innovative ideas for this video, and you're being very cooperative throughout the process. So I'm really glad that you chose my platform to share your journey. I wish you all the very best for your journey ahead, and thank you so much for joining. Thank you, Sheetal, for giving me this opportunity, and it means a lot. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.